बाय द वे एक बैड न्यूज है, फर्स्ट टाइम ही हमने ड्रोन का पता नहीं कनेक्शन लॉस्ट हो गया कि क्या हुआ, झुक झुक करके नीचे गिरा, पानी में गिर गया, अभी यहाँ लाश की तरह जिंदा लाश की तरह पड़ा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, माय नेम इज करण, आई एम अंजलि एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल सिंड्रोम। फाइनली हम लोग आफ्टर कितने टाइम के बाद, दो तीन हफ्ते के बाद व्लॉग बना रहे हैं। हाँ, दो तीन हफ्ते के बाद बना रहे हैं। बहुत टाइम के बाद हम लोग कहीं बाहर आए, लोकल नल सरोवर लास्ट टाइम। हाँ, नल सरोवर गए थे, अगर वीडियो नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत मस्त प्लेस थी, मज़ा आ गया। अब हम आए हैं झांझरी वाटरफॉल। हम यहाँ पर इसीलिए आए क्योंकि हमने सोचा था कि हम लोग कब एक माइलस्टोन सेट होने के बाद ड्रोन लेंगे, तो फाइनली 10K सब्सक्राइबर हो गए, सो थैंक यू सो मच 10K सब्सक्राइबर करने के लिए। और 10,000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में हम लोगों ने ड्रोन लिया और ड्रोन फ्लाई करने के लिए हम लोग आए ये ब्यूटीफुल लोकेशन झांझरी वाटरफॉल, जो कि अहमदाबाद से कुछ 70 किलोमीटर दूर है। तो हम यहाँ पे आए हैं, हमारा ड्रोन है वो फ्लाई करने के लिए। सो एक काम करते हैं, बातें छोड़ते हैं, फ्लाई करते हैं ड्रोन। वैसे झांझरी वाटरफॉल में हम पहले भी आ चुके हैं, तो अगर आपको डिटेल जाननी है इस प्लेस के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा हमारे फर्स्ट व्लॉग के बारे में, जहाँ पे हम लोग झांझरी आए थे, हमने कैमल राइड की थी मैंने और अंजलि ने और पूरा एक्सप्लोर किया था। सो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन अगर इस प्लेस के बारे में आपको डिटेल जाननी है तो। सो ये है हमारा ड्रोन DJI Mavic Mini 1 और मैंने फ्लाई मोर कॉम्बो लिया है और 40,000 के आसपास मुझे पड़ा है। कहाँ से लिया वो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि जहाँ से मैंने लिया है उन भाई ने बहुत बोलने के लिए मना किया है कि मेरा नाम मत देना। बाय द मैंने मिनी वन इसी ले लिया क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम बाइंग अ ड्रोन एंड फ्लाइंग अ ड्रोन, तो मैं सोचा कि मिनी टू की बजाय उसमें 20,000 कुछ ज़्यादा थे उसकी वजह मैं वन ले लूँ, एक साल उड़ा के थोड़ा मैं सीख लूँ कैसे ये वर्क करता है, हाउ ड्रोन वर्क, और जब थोड़ा अच्छा हो जाए या फिर और भी थोड़े व्यूज़ आ जाए, सब्सक्राइबर बढ़ जाए, तब हम टू में जाएंगे या फिर मे बी 3 Pro में जाएंगे, बट फिलहाल के लिए मिनी वन लिया। अब जहाज में थोड़ी सेटिंग कर रहे हैं भाई, फर्स्ट टाइम उड़ा रहा है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना यार, थोड़ा टाइम दे दो। One hour later. काफ़ी अच्छा, बहुत थोड़ी आवाज़ ज़्यादा कर रहा है, आवाज़ ज़्यादा कर बट अभी मैंने इतना ज़्यादा उसको फ्लाई नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्ड्स भी है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। दूसरा कि मुझे पता नहीं कैसे ऐसा मैन्यूवर करते हैं, तो मैंने थोड़े थोड़े शॉट लिए, आगे वाटरफॉल है वहाँ पर चलते हैं, देखते अगर पब्लिक ज़्यादा नहीं हुई तो वहाँ फ्लाई करेंगे। कार के ऊपर पार्क करवा देना। सो अभी हम लोग आए दूसरे स्पॉट पे, यहाँ पे उबड़ खाबड़ रास्ते में हम लोगों ने कार पार्क कर दी है
सो बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ता है, सो यहाँ तक आके हमने कार पार्क कर दी है। बीच बीच में एक दो पत्थर तो ऐसे थे लगा, सीक्रेट रास्ता डिस्कवर किया। हाँ, एक दो पत्थर तो बीच में ऐसे थे लगा ही नहीं कि वहाँ से चढ़ पाएगी। काफी, तुझे किसकी याद आ गई? मुझे लद्दाख, लद्दाख। और अभी एक ऊंट वाला है, उसने बोला कि शायद आगे जो वाटरफॉल है वहाँ पे पानी है, तो अब जाके वहीं देख रहे पानी है या नहीं है। वहाँ पे थोड़ा, हाँ आवाज तो आ रही है, थोड़ा वहाँ से ड्रोन उड़ाएंगे, थोड़े लोग तो है तो देखते हैं, अगर ऐसा होगा थोड़ा इस तरफ आके। कोई लोग है नहीं खैर ज्यादा यहाँ पर, आई थिंक सिर्फ मानसून में प्रेफर करते हैं लोग यहाँ आना ना। हाँ इसीलिए। और आप ना जब आओगे तो ब्राइट साइड आपको नीचे एक रास्ता गूगल मैप में दिखाएगा, वो ऑफ रोडिंग टाइप है, तो मानसून के टाइम पे वहाँ से मत आइएगा क्योंकि वो आई थिंक बहुत कीचड़ वाला रास्ता हो जाएगा। सीधे सीधे रास्ते से आइएगा और वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे कार अपनी पार्क करके चल के आप आ सकते हो यहाँ तक। तो फाइनली वाटरफॉल हमें मिल तो गया यहाँ पे, ये छोटा सा ही हमारे पीछे। इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी तो हमें लगा तो सही कि वाटरफॉल कुछ होना तो चाहिए। लास्ट टाइम था उतना ही अंदर ही, ज़्यादा नहीं है ना? लास्ट टाइम आई गेस ज़्यादा था मुझे लग रहा है, अभी पानी भी कम है ना। हाँ अभी, पर फिर भी लास्ट टाइम मुझे लगता है इतना सही था, थोड़ा उससे 10-20% ज़्यादा होगा, 30% मे बी। बट ये पूरा ना एरिया मस्त ऐसा लग रहा है किसी क्रेटर पे चल रहे हैं फिर कहीं पे, लगता है ओल्ड सिविलाइजेशन फाइंड कर ली हमने। ऊपर नीचे थोड़े ऊपर उबड़ खाबड़ से रास्ते है, पत्थर वत्थर है, बीच बीच में पानी भरा हुआ है, और ये थोड़ा सा है। एक काम करते हैं यहाँ पे ड्रोन उड़ाते हैं और वहाँ भी ड्रोन है लेके जाते हैं चलते। एक बैड न्यूज़ है, फर्स्ट टाइम में हमने ड्रोन का पता नहीं कनेक्शन लॉस्ट हो गया कि क्या हुआ, वो झुक झुक करके नीचे गिरा, पानी में गिर गया। अभी यहाँ लाश की तरह, जिंदा लाश की तरह पड़ा है, सुखाने की हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अब सूखेगा तो ठीक है, वरना मैं करूँ तो तलाक दे दूँगा, बहुत महंगा पटका पड़ने वाला है। पहली ट्राई थी, अच्छा यहाँ पे एक दो लोग और ड्रोन उड़ा रहे हैं, तो वो लोग प्री वेडिंग शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा करें। प्लीज़ कमेंट में प्रे कीजिए कि हमारा ड्रोन जिंदा हो जाए। अभी लगता तो नहीं होगा, लेट्स सी। अब तो मूड भी खराब हो गया व्लॉग बनाने का। सो ये रहा हमारा ड्रोन जो हम बहुत खुशी से यहाँ पे लेके आए थे, ड्रोन हमारा लुढ़क गया है, तो कुछ नहीं, बस अब यहाँ से वापस चलते दुख में। अब एक दो जगह पे कांटेक्ट किया है, उनको बोला है कि ड्रोन के साथ हमारा ये हुआ है, अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है इसमें से, और तो हमने बताया उनको कि ये हुआ है हमारे साथ, तो क्या हो सकता है, तो उन्होंने बोला एक बार ड्रोन आप लेके आइए तब हम देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली तो ज़्यादा खर्चा या नहीं है, ड्रोन वापस ज़िंदा हो सकता है, बट लेट्स सी। जो भी हम आपको अपडेट देंगे, बहुत ऐसे बड़ा कुछ करने वाले थे हम लोग,
मेरा लिटरली पूरा मूड ऑफ हो गया। मैं बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाने के मूड में थी जो अब मेरा मन नहीं कर रहा खिंचवाने का। पहले एक बार ठीक हो जाए, फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है इस वीकेंड, हम एक नई जगह जा रहे हैं, उसके लिए हमने एक्चुअली स्पेशली ड्रोन ख़रीदा था। अभी देखते हैं चले तो ठीक है, वरना देखते करण के साथ क्या किया जाएगा, ये पता चलेगा आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो करण बाय बाय बोल दो। बाय बाय दोस्तों, बड़े दुख के साथ बाय बाय। हमारे दुख के साथ बाय बाय। और वो जो आपने वीडियो देखा होगा ना कि चार पांच लोग थे हमारे ड्रोन के साथ कुछ कर रहे थे, उसका ये था कि उसका ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो यहाँ का जो प्रोपेलर था ना वो टकरा रहा था यहाँ पे, और इसीलिए वो टकराने की वजह से ये टूट गया और इसीलिए ड्रोन नीचे गिर गया। तो कनेक्शन का कोई इशू नहीं था, ये टूट गया इसकी वजह से। देखते हैं अब क्या हो सकता है, आपको मिलेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट में हो सके तो हमें सांत्वना दीजिए, या फिर ऐसा बोलिए कि हो जाएगा ठीक, अगर हो जाएगा तो नेक्स्ट जो हमारे ट्रिप है उसमें हम यूज़ करेंगे। इफ एनी सजेशंस यू कैन प्रोवाइड अस आल्सो। अगर आपके पास अहमदाबाद गांधीनगर में कोई सजेशन है जहाँ पे ये अच्छे से सस्ते में और अच्छे से हो जाए, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।